में श्लोक का परिवार। शगुन का श्लोक पर अत्याचार। हुआ श्लोक का बुरा हाल। जी टीवी के सीरियल मीत में श्लोक की दिमागी हालत को ठीक करने के लिए सुमित और पूरे परिवार ने प्लान बनाया और उस प्लान में श्लोक के बड़े पापा बन गए पापा और पूरा परिवार बंद गया बेड़ियों में। असल में श्लोक को अपने पापा का इंतजार है। ऐसे में पापा के गुमशुदा होने के चलते श्लोक की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उस वक्त के लिए तो उसे लगा कि उसके पापा उसके सामने हैं, इसीलिए वो अपने पापा की ओर बढ़ने लगा। तो वहीं दूसरी ओर पूरा परिवार बेड़ियों में बंद कर श्लोक से मदद की गुहार लगा रहा है। ये देखकर श्लोक अपने आप को रोक नहीं पाया और कश्मकश में पड़ गया। परिवार वालों को लगा था कि श्लोक अपने पापा को भूलकर परिवार की मदद करेगा, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती देख सभी परिवार वालों ने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। पहले के सभी श्लोक को ठीक कर पाते वहाँ पर शगुन पहुँच गई अपने आदमियों के साथ जिनके हाथों में है बंदूक, और उन लोगों ने सुमित और उसके पूरे ससुराल वालों को बंदूक की नोक पर रख लिया। भाई शगुन का तो दूसरा नाम आफत है। वो तो चाहती है कि श्लोक दिमागी रूप से पागल हो जाए और इसीलिए इन सबके प्लान को चौपट करने के लिए उसने श्लोक को बताना शुरू कर दिया। बार बार वो श्लोक को पागल कह रही है। श्लोक को ये भी बता रही है कि उसके पापा 3 साल पहले ही मर चुके हैं। इतना ही नहीं, उसने तो श्लोक को ये भी बता दिया कि सामने जो आदमी उसके पापा के रूप में खड़ा है वो उसके पापा नहीं बल्कि बड़े पापा है और ये पूरी प्लानिंग उसके परिवार की है। भाई सुमित ने कोशिश तो बहुत की शगुन को रोकने की, लेकिन शगुन रुकी नहीं और वो अपने मकसद में कामयाब हो गई श्लोक को पागल करने में, क्योंकि श्लोक अब अपने आप को पागल समझ बैठा है। अब देखना होगा कि क्या वाकई सुमित श्लोक को ठीक करके रहेगी या फिर श्लोक वाकई में पागल हो जाएगा और शगुन की जीत हो जाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियां।